रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है वो जारी रहेगा और ऐसी ही जितनी भी आक्रामक कार्रवाई है वो एकदम जारी रहेगी और इसका पूरा मकसद जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये पुतिन के सेंटेंस हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा है कि रूस यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रखेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। पुतिन ने कहा है कि यह अभियान योजना के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि रूस नुकसान को कम करना चाहता है। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तिन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र की यात्रा के दौरान कहा कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता कि ये निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। मतलब जो पैमाने जो चीज़ें सेट की गई जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन इस्तांबुल में रूसी वार्ताकारों के साथ बातचीत के दौरान किए गए प्रस्तावों से पीछे हट गया है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन ने बातें की हुई थी उस इस्तांबुल में, आप जानते ही हैं इस्तांबुल में लोगों ने बातें की थी और मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बताया था आपको, तो ये लोगों ने बातें की थी तो उस पर जो चीज़ें हुई थी उस पर यूक्रेन एग्री था, बट अब यूक्रेन उस पर एग्री नहीं, अब वो पलट गया वहाँ से। ठीक है, तो यही अभी की जो मेन यही एक हेडिंग पॉइंट है जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया और रूस के पास अपने आक्रामक रवैये के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पश्चिमी अधिकारियों के अकॉर्डिंग 24 फरवरी को रूस ने कीव पर कब्जा करने सरकार को गिराने तथा मॉस्को के अनुकूल माहौल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ आक्रमण किया था। तो पहले इनका पर्पज यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं। 6 हफ्तों के बाद रूस का जमीनी अभियान ठप हो गया है और इसकी सेनाएँ को काफ़ी नुकसान हुआ है। पुतिन ने मंगलवार को जोर देकर कहा है कि उनकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य मॉस्को समर्थित विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों में लोगों की रक्षा करना और रूस को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि रशिया अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। डोनबास में एक रणनीतिक बंदरगाह शहर मारियोपोल में एक स्टील मिल के रक्षा करने वाली एक यूक्रेनी रेजिमेंट ने दावा किया कि एक ड्रोन ने शहर पर कोई जहरीला पदार्थ गिराया था। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, डोनबास में एक रणनीतिक बंदरगाह है, ठीक है, मतलब डिप्लोमेटिक वो पोर्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी देश के लिए, उसी देश के लिए। और मरियुपोल में एक स्टील मिल की रक्षा करने वाले एक यूक्रेनी रेजिमेंट ने, वहाँ पे जो एक स्टील का मिल है वहाँ पे उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो सुनिश्चित करती हैं, वहाँ पे जो एक महिला हैं रक्षा करने वाले एक यूक्रेनी रेजिमेंट ने दावा किया है, उस पूरी रेजिमेंट ने उस दावा किया है कि एक ड्रोन ने शहर पर कोई जहरीला पदार्थ गिराया था। अब ये क्या है, अभी इसके बारे में भी कोई ब्रीफिंग नहीं है। हालांकि उसके दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल के में पिछले 6 सप्ताह से लगातार किए जा रहे हमलों में अब तक 10,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। मारियोपोल के मेयर वादिम बागचियो ने इस बात का दावा किया है। रशिया के पुतिन ने अपना कट एंड क्लियर जवाब दे दिया है और 12 अप्रैल की ये न्यूज़ है और पंजाब केसरी की तरफ से आर्टिकल आया हुआ था। तो अभी जो पुतिन ने क्लियर किया कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अब आप हमें वो बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आप किस नज़रिए से इस पूरे वॉरशिप को देख रहे हैं कि अब तो यूक्रेन भी आक्रामक कार्रवाई कर रहा है और यूक्रेन भी अपनी बहुत सारी चीज़ें आगे ले आ रहा है, बहुत सारे देशों जो मदद मिल रही है उसको, एविएशन मदद मिल रही है, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो मदद मिल रही है, अब उसके दम पर वो आगे बढ़ रहा है। तो इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।